मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप नाराज मत होइए। और आपको मालूम है जो बोलता हूँ मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूँ। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री। 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है, मैं 5000 करोड़ कर देता हूँ इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और भाई और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो, जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने मेरे पास भेजो, मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूँ। मैं आपको मंजूर कर देता हूँ। आप तुरंत मुझे प्रपोजल, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए। और आप अधिकारी मुझे अच्छे अच्छे देकर निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं और बिल्कुल करके दूंगा। सर एक आग्रह था सर, और वो आग्रह ये था, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस वाला जो इशू है सर, ये कमोवेश पूरे कंट्री में प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। हमने प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट भी किया था, पहले हमारे पास कुछ राइट्स थे सर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके, लगभग 5 एकड़ का क्लियरेंस लेने का एक ये था, स्टेट गवर्नमेंट में ही एक प्रोविजन था और वो शायद लैप्स कर गया है सर। वो लैप्स इसलिए होता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप नाराज मत होइए। आपके अधिकार में जो फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस की परमिशन मिलती है, एक बार पिछले 5 साल में जो दी है, कितना समय लगाया आपके राज्य सरकार में, थोड़ा अंदाज उसका ले लो। फॉरेस्ट के अधिकारी, ये कैडर जो है ये पूरे देश का, इनके प्रति मैं बहुत नाराज हूँ। ये जैसे रोड में ऑब्स्टेकल बनते वैसे, तो आप एक बार आपका रिव्यू कराइए हमारे रोड का और मुझे भेजिए, मैं आपको जावड़ेकर जी के पास लेकर आपको जो भी बात है वो सॉल्व कर दूंगा। पर ये जो काम नहीं करेंगे इनको जरा कड़क शिक्षा करिए, इनका VRS कराइए, तो कड़ी कार्रवाई करिए। इतना मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं मदद करूंगा आपको। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका NH का भी कोई भारतमाला में अभी नया सेकंड फेज डाल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे तो वो भी डाल देंगे। झारखंड के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उल्टा जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको पहले प्राधान्य मिलेगा और उनका विकास होने के लिए प्राथमिकता देगी, यही हमारी भूमिका है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे और पूरी तरह MSME में और NHI के डिपार्टमेंट में आप जो भी योजना है मेरे पास लेकर आइए, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा।